तो गाइज ये आंट हमें उठा करके दूसरे डायमेंशन में लेके जाती हैं, ठीक है। ओ ये क्या है भाई, ये क्या? ओ रैक्स। तो हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है एक और नए एपिसोड में क्रेजी क्राफ्ट के। तो कैसे यार आप सभी लोग, आई होप कि मस्त होंगे, मस्त हो ना। तो यार कितना अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम खुला खुला आसमान, दिन निकला हुआ है, इतनी अच्छी सी स्माइल है हमारे कैरेक्टर की, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस यार आज हम बहुत ही तूफानी करने वाले हैं अपने डायमेंशन में। और देख रहे हो गाइस बैरिस, देखो क्या तगड़ी निकल रही है भाई, मतलब बहुत सारा फूड हो गया अपने पास, अभी फूड की तो कोई कमी नहीं होने वाली है। और उसके अलावा गाइज मैंने थोड़ा अपडेट किया है यहाँ पे, मतलब मैं सीड्स वगैरह लेके आया, तो गाइज यहाँ पे मैंने वीट उगाया हुआ है और यहाँ पे है ये एक तरह की बीन है, सोयाबीन है ये, सोयाबीन। और यहाँ पे है कैबेज यानी कि गोभी, और यहाँ पे भी गोभी है ये, मगर ये दूसरी वाली गोभी होती है और ये अभी ग्रो नहीं हुई है, अभी 29% ग्रो हुई है। और यहाँ पे भाई आपकी सबकी फेवरेट मिर्ची, और ये मिर्ची मैच्योर हो चुकी है तो मैं इसको निकाल सकता हूँ, बट सीड वापस लगा देता हूँ और इसको फेंको। और ये देखो भाई मिर्ची, खा सकता हूँ मैं इसको? ओ भाई मिर्ची खा गया मैं। और गाइज यहाँ पे है भाई टमाटर यानी कि टमाटो, ये रहे टमाटर। और भाई बस अभी तो इन्हीं चीज़ों की खेती की है भाई मैंने, आने वाले टाइम में और भी चीज़ों की खेती करूँगा मैं, बट अभी इनको मैच्योर होने में काफ़ी टाइम लगेगा, यानी कि इनको बड़ा होने में टाइम लगेगा। ओके गाइस, और ये क्या कर रहा है यहाँ पे, भाग जाए यहाँ से, अभी तुझे पता नहीं मैं ओपी हो चुका हूँ। तो गाइस लास्ट एपिसोड में भाई हमने स्वॉर्ड बनाई थी अपनी, द अल्टीमेट स्वॉर्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा बीस स्वॉर्ड है। और गाइस मेरे पास कुछ लूटिंग बैग है यार जिनको हम खोलने वाले हैं। तो जैसे मेरे पास भाई ये एक ईपिक लूटिंग बैग है जो मुझे जॉम्बीज से मार के मिला था, तो भाई डाइविशन सीजिल इनएक्टिव, यू मस्ट परफॉर्म एक्टिवेशन रिचुअल, स्नीक राइट क्लिक ऑन इंचेंटिंग टेबल, मोर डिटेल्स। ओके तो भाई ये कुछ इंचेंट हो जाता है और इंचेंट होने के बाद इससे कुछ चीज़ें बनती हैं जो कि बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ओ भाई ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, शेप्ड क्राफ्टिंग एक्स्ट्रा यूटिलिटीज़। ओके तो गाइज यार हमें ये बहुत ही तगड़ी चीज़ मिली है, और शायद से इसको एक्टिव करने के लिए ऐसे करके बैठना पड़ता है और राइट क्लिक मारनी पड़ेगी इंचेंटिंग टेबल पे, ठीक है। बट यार अभी हमारे पास इंचेंटिंग टेबल नहीं है, तो हम भाई इसको अपने यहाँ पे बॉक्स में रख देते हैं, काम आएगा बाद में। और यार हमारे पास कुछ फालतू की चीज़ें भी हैं, वो भी रख देता हूँ मैं। तो भाई अभी तीन बॉक्स और है हमारे पास, इनको भी ओपन करेंगे। और यार ये थोड़ी सी चीज़ें पड़ी है एक्स्ट्रा, ये भी निकाल देता हूँ मैं। ओके गाइस तो भाई इसमें वीट है, बेकार। और ये भाई ईपिक वाला, इसमें गन पाउडर, नेदर वॉच, स्टील इनगट और एक कच्छा। ओके भाई कच्छा यानी के पैंट। ये मेरा अपना लैंग्वेज है। ओके नेवर माइंड। तो गाइस यार सब लोग बाग, अरे यार इसमें भी दो पैकेज हैं, ये भी खोल लेते हैं। ओ इसमें केक है, तो भाई केक को मैं रख देता हूँ, फिर कभी खाने के काम आएगा हमारे। टिन गियर, ओ शर्टन क्वाज और नेम टैग, नाइस। सो ओके गाइस यार बैकपैक हमारा बिल्कुल खाली हो चुका था भाई। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आप बैकपैक को ना पहन भी सकते हो, तो यार मेरे को तो ये समझ में नहीं आया कि इस बैग को पहनते कैसे, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो आ नहीं रहा है। तो भाई मुझे पता चला जब हम इस बैग को उठाते हैं और ओपन करते हैं, तो इसमें ये वाला एक ऑप्शन होता है, तो ये वाला ऑप्शन को हम दबाते हैं, तो भाई देख रहे हो ये बैग पहन लेता है। ये देखो इनने पीछे डाला हुआ है बैग, देख रहे हो भाई। तो गाइस इनने बैग पहन लिया है, अब भाई हम ट्रैवलिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं अपना आर्मर पहन के। और देख रहे हो भाई बैग पैक पहन लिया है इसने, सही लग रहा है यार, पीछे स्कूल बैग की तरह टांगा है। नाइस। अगर गाइज आप लोगों को ये बैकपैक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और फिर मैं आपको इसके फीचर्स बताने वाला हूँ। तो गाइज देखो मैं बैकपैक पहने पहने बैग का इन्वेंटरी ओपन कर सकता हूँ, और जब मुझे ये बैग निकालना हो तो मैं ये दबा के ये बैग निकाल सकता हूँ, और फिर ऐसे ही करके इसको ओपन करके मैं ये बैग पहन सकता हूँ। तो यार मेरे पास इसका मतलब ये एक्स्ट्रा एक तरह से एक एक्स्ट्रा इन्वेंटरी आ गई है। और गाइज इसके अंदर क्राफ्टिंग टेबल भी है भाई, मतलब मैं इसके अंदर चीज़ें क्राफ्ट भी कर सकता हूँ भाई,
तो यार ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है यार, मेरे को बहुत सही लगा ये बैग पैक। और ये ग्रीन वाले नहीं समझ आए किस चीज़ के, और ये बाल्टी वाला ये शायद लिक्विड के लिए है, ये भी लिक्विड के लिए है, और ये पता नहीं किस चीज़ के लिए है। मतलब ये थोड़ा एडवांस बैग पैक है भाई, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके नाइस। तो यार यानी कि मैं भाई अपनी जर्नी में कुछ भी लेके जा सकता हूँ अपने साथ, मतलब कुछ काम की चीज़ें। तो ओके गाइस, तो यार आज एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है अपने इस एपिसोड में, और भाई वो स्पेशल की चीज़ क्या होने वाली है गाइस। देखो आपको पता है कि इस ऐसे मॉडर्न सर्वर्स में बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, तो भाई आज हम जाने वाले एक स्पेशल डायमेंशन में। और गाइस यार हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं कभी भी उड़ने वाला मच्छर बनता हूँ ना, जैसे मैं बन के दिखाता हूँ आप लोगों को ऐसे, और मैं जैसे पानी में जाता हूँ ना तो देख रहे हो, अरे भाई ये मरना शुरू हो जाता है पानी में जाते ही। तो भाई मुझे कोई ऐसा उड़ने वाला चीज़ चाहिए जिसको पानी से मतलब ख़तरा ना हो, और पानी में भी वो बहुत ही अच्छी तरीके से सरवाइव कर सके, और उसका हेल्थ भी ठीक ठाक हो। तो भाई मुझे पास में, जब मैं यहाँ पहाड़ वाले एरिया में गया था एक बारी वंडरिंग के लिए, मतलब घूमने फिरने के लिए ऑफलाइन, तो मैंने यहाँ पर एक अलग तरीके वाला जानवर देखा, और भाई मुझे नाइट विजन मिल रहा है। ओ नाइस। और ये नाइट विजन आई थिंक मुझे मिल रहा है इस मच्छर की वजह से। तो गाइस आई थिंक ये रही वो चीज़ जो मुझे चाहिए थी। नहीं ये नहीं है, वो ये नहीं है, ये तो कोई और है। ओके ओ भाई वन शॉट किल हो जाएगी ये, आई थिंक। नहीं वन शॉट किल नहीं हुई, टू शॉट किल हुई। ओके और मुझे ब्लाइंडनेस हो गया। अरे भाई ये क्या क्या चीज़ें हैं यार, होली क्रैप। और ये नाइट विजन यार मुझे लगता है मुझे बैकपैक की वजह से मिल रहा है आई थिंक, क्योंकि जब मैंने बैग नहीं टांगा हुआ था तो मुझे कोई कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी मुझे नाइट विजन मिल रहा है, और ये सिर्फ आई थिंक बैकपैक की वजह से हो रहा है। हटा के देखो, अरे हाँ यार मुझे बैकपैक से नाइट विजन मिल रहा है भाई। तो यार गाइस मुझे नॉर्मल बैकपैक बनाना पड़ेगा यार, मुझे नाइट विजन वाला बैकपैक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि गाइस वो देख रहे हो आप लाइटिंग बड़ी अजीब सी लाइटिंग हो रखी थी। या तो भाई स्टेबल नाइट विजन हो तब ठीक है, अब ये स्टेबल तो। ओ गाइस देखो ये क्या है, ये चाहिए था मुझे स्पिनिक्स। तो भाई ये है वो जिसको मैं मारने वाला हूँ, इसका हेल्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, और भाई ये मुझे मार देगा, लेकिन मैं अपना हेल्थ। अब भाई ये तो बहुत सारे यहाँ पे। ओके अरे भाई मर जाना, अरे मर जा मर जा यार, इसका हेल्थ बहुत बढ़िया है यार। और ये छोटा स्केली भी आ गया हाथ साफ करने। भाई इनको डैमेज भी बहुत कम हो रहा है, 50 डैमेज की स्वॉर्ड है मेरी, और इनको 17-18 का डैमेज हो रहा है। ओके गाइस मेरा काम हो गया भाई, जो चाहिए था हमें मिल गया, यानी कि उसकी आत्मा गोल्डन एप्पल स्लाइस। ओके गोल्डन, अबे यार पूरी गोल्डन एप्पल दे देते तो क्या हो जाता भाई। तो भाई गोल्डन एप्पल स्लाइस मिलता है उनसे मार के उनको, और सल्फर भी मिला। ओके नाइस। और गोल्डन एप्पल स्लाइस से क्या मिलता है, एब्सॉर्प्शन रेसिस्टेंस और फायर रेसिस्टेंस। भाई ये चीज़ तो मैंने देखी नहीं, और ये कौन आ रहा है भाई। ओबे भाई ये फायर, ये मुझे फायर दे रही थी बट मैं बच गया, क्योंकि मुझे फायर रेसिस्टेंस मिला हुआ है। ओके तो गाइस अभी मुझे एक नई, अबे यार ये दो दो आ गए यार, रात को ये जगह बहुत खतरनाक हो जाती है यार, ये चीज़ तो है। सो गाइस आई एम बैक टू द होम, और भाई रात हो रख के तो चलो सो जाते हैं यार, मुझे शायद अपने असली रूप में आके सोना पड़ेगा, क्योंकि सो नहीं सकते हो आप नकली रूप में। तो भाई मैं एक सिंपल बैकपैक बनाने वाला हूँ, एडवेंचर बैकपैक, और इसको बनाने के लिए भाई हमें बैकपैक टैंक चाहिए। ओके यहाँ पे बहुत सारे बैकपैक हैं भाई देखा जाए तो, ब्लेज वाला, मतलब एक सिंपल बैकपैक हमें बनाना ही पड़ेगा अगर इनमें से कोई भी बैकपैक बनाना। तो भाई चार लेदर चाहिए, एक गोल्ड चाहिए, एक चेस्ट चाहिए, तो चार गोल्ड। सो गाइस ग्लास हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, और इनको निकाल लेते हैं भाई, 23 ग्लास आ गए मेरे पास, एक और बनाना है क्या, दो
सो गाइस हमारे पास बैकपैक के टैंक रेडी हो चुके हैं और बैकपैक का सारा सामान रेडी हो चुका है, तो बस इसको हमें रखना है और भाई हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो पहले एक बार रेसिपी देख लेता हूँ मैं क्या है। ओके तो ये रेसिपी है भाई, ऐसे रखो, चेस्ट को बीच में रखो और ये गोल्ड यहाँ पे आएगा और ये चार लेदर ऐसे आएंगे और भाई लास्ट स्लीपिंग बैग और ये एक नया बैग हमारा तैयार। ओके गाइस तो भाई बैग तैयार हो गया, एक बार खोल के देखते हैं भाई इसमें कैसा दिखता है अंदर से। ओके ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल बैग की तरह एकदम बहुत ही बढ़िया। तो इसको निकाल लेते हैं और इसमें भी मैं बाल्टी डालने वाला हूँ, और क्योंकि गाइस इसमें बाल्टी का ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें दो बाल्टी डलेंगी, तो मैं बकेट बना लेता हूँ दो। चलो यहाँ पे आयरन है काफ़ी सारा मेरे पास, तो भाई दो बाल्टी आ गई हैं और अब एक बार ज़रा इनको डाल के देखता हूँ बैग के अंदर कि ये बाल्टियाँ लगती है क्या नहीं लगती। ओके तो भाई दोनों ही बाल्टियाँ लग गई हैं बैग पैक के अंदर और निकल भी गई। व्हाट ये क्या था यार, ये निकल क्यों गई। चलो इनको बाल्टियों को अंदर ही रख लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यार काम ही आएंगे ये बाल्टियाँ हमारे। सो गाइज यार मैं दूसरे डायमेंशन में जाने से पहले और एडवेंचर स्टार्ट करने से पहले मुझे एक पैट बनाना है भाई, और हमारा वो पैट होने वाला है ये चिकन पैट, क्योंकि गाइज ये जो पैट है ना ये हमें बहुत तेज स्पीड देगा और हमें एक और पैट बनाना है। तो यार गाइज हम एक दो पैट बना लेते हैं पहले, तो पहले तो भाई हम ये वाला पैट बनाते हैं चिकन पैट। तो इसके लिए हमें फैदर चाहिए होंगे, सीड चाहिए होगा, डायमंड और गोल्ड, तो ये सब चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो चलो बना लेते हैं फटाफट। सो गाइज यार ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हमारे पास हो गई हैं, बस कुछ चीज़ों की कमी पड़ रही है जो कि हम लेके आते हैं, जैसे कि हमें फैदर की कमी पड़ रही है ये वाला पैट बनाने के लिए, स्पीड वाला पैट बनाने के लिए, और हमारे पास दो फैदर की कमी है, तो चलो फैदर लेके आते हैं। और उसके अलावा हमें गाइज थोड़ा लेदर भी चाहिए होगा, तो लेदर भी लेके आएंगे। तो भाई यहाँ से मिलेगा फैदर, और आई थिंक काफ़ी सारा फैदर हो गया मेरे पास जितना चाहिए था, और बस थोड़ा सा लेदर और चाहिए। सो गाइज यार आई एम बैक टू द होम, और मुझे पता चला कि भाई एक तरीके से और इसमें लेदर बन सकता है, बस हमें रोटन फ्लैश चाहिए होगा और एक कोल चाहिए हमें, कोल ये रहा, और हमें चाहिए था भाई एक ऑर्ब चाहिए था जो कि हमने बनाया था एक बारी, आई थिंक मैंने यहीं कहीं रखा हुआ है उसको, कहाँ रखा है ये तो दूसरा बना। ओ यार मेरे पास 22 लेदर पड़े थे भाई, शिट। तो गाइस देखो लेदर हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, वैसे मेरे पास लेदर रखे थे, देखो रोटन फ्लैश रखो, एक कोल रखो, और ये भाई स्टोन होता है ये इस तरीके से बन जाता है स्टोन, ये स्टोन रखो और ये रीयूजेबल है तो आपको लेदर मिल जाते हैं, 7-8 लेदर मिल जाते हैं, वैसे मेरे पास लेदर पड़े थे यार, शिट। तो चलो भाई सबसे पहले मैं ये एक बैग बनाने वाला हूँ, तो इसको बनाने के लिए भाई ऐसे रखो लेदर, ऐसे रखो, एक डायमंड रखना पड़ेगा, एक चेस्ट रखनी पड़ेगी और एक स्ट्रिंग रखना पड़ेगा ऐसे, तो भाई हमें मिल जाएगा ये फीडिंग बैग, और ये फीडिंग बैग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है गाइस। और अब बनाते हैं हम ये पैट, और ये पैट बनाने के लिए भाई फैदर चाहिए ऐसे, एक सीड चाहिए, एक डायमंड चाहिए और एक गोल्ड इनगट चाहिए, तो ये आ जाएगा भाई चिकन पैट। तो हमारे पास दो पैट हो चुके हैं गाइस, ये चिकन पैट जो है बहुत तेज स्पीड देता है, ये स्पीड के लिए होता है, जैसे कि ये हमारा हार्ट जनरेट के लिए, ये स्पीड के लिए होता है, और अब हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। और गाइस अब बनाने वाला हूँ मैं एक गाय वाला पैट जो कि हमें नेगेटिव इफ़ेक्ट से बचाएगा, तो इसको बनाने के लिए भाई आयरन इनगट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, और ये है भाई कोल इनगट, जैसे आयरन इनगट बनते हैं ऐसे डाल के ऐसे ही कोल इनगट बनते हैं, तो भाई यहाँ पे डायमंड गोल्ड और ये एक वीट, तो ये बन गया भाई हमारा पैट। ओ भाई ये आवाज भी करता है। तो ये रिमूव नेगेटिव पोशंस इफेक्ट फिल एम्प्टी, तो भाई ये जितने भी नेगेटिव इफेक्ट होते हैं उनको हटा देगा, तो ये चीज सही है यार, काम का पैट है ये बहुत। बस एक लावा वाला चाहिए था यार हमें, वो मुझे पता नहीं यार कौन सा पैट है वो जिससे हमें लावा जो है वो मिलता है भाई, मतलब हम बच जाते हैं उससे फायर इफेक्ट से, बट पता नहीं कौन सा पैट है यार वो मैं भूल गया, मैंने बनाया भी था वो कभी, तो पता नहीं कौन सा है यार वो पैट जो फायर से बचाता है हमें, मतलब फायर रेसिस्टेंस देता है,
आई डोंट नो। तो गाइस अब भाई इस फीडिंग बैग का क्या काम है, देखो भाई फीडिंग बैग का, अब ये कैसा भाई मेरा ये कुछ ज़्यादा ही स्पीड बढ़ गई मुझे लग रहा है। और भाई ये इतना गुस्से में क्यों हो रही है यार, इसको मारो। ओके मर गई नाइस, एक ही शॉट में मर गई। और भाई मेरा प्लेयर का ये फेस ही, ओ भाई बहुत ज़्यादा स्पीड आई हुई है यार इसमें तो। और मुझे ये बैग जो है ना, इस बैग के अंदर ये खाने रखने होते हैं गाइस, जो जो ये पेट खाना खाते हैं ये वो खाना रखना होता है इसके अंदर हमें, और फिर ये अपने आप ही खाना खा लेते हैं। बस इस बैग को हमें अपने इन्वेंट्री में रखना होगा हमेशा के लिए। और भाई देख रहे हो क्या स्पीड आ रही है भाई, होली क्रैप ओ भाई स्पीड देख रहे हो। तो गाइस अभी के लिए मैं इसको हटाऊंगा यार, ये बहुत तेज है, जब हम जाया करेंगे बाहर तब ये पेट काम आएगा हमारा, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी, इसलिए मैं अभी इसको यूज़ नहीं करूँगा। तो चलो भाई आज हम जाने वाले हैं दूसरे डायमेंशन में, जिसको बोलते हैं आंट डायमेंशन। मतलब गाइस देखो ये रेड कलर की आंट आपको इस डायमेंशन में कहीं भी मिल जाएगी, और भाई आपको काटने को दौड़ती हैं, देख रहे हो, मतलब ये आपके पीछे पीछे आ रही है आपको काटने के लिए। और गाइस देखो इनका नेस्ट है ना आसपास ही होगा, देखो हाँ ये रहा देखो है ना। तो गाइस ये इसका डायमेंशन का मतलब, अरे यार बात करने देगा क्या नहीं करने देगा मुझे। हाँ तो गाइस मैं कह रहा था कि भाई, अरे यार हाँ तो मैं कह रहा था भाई देखो ये जो इनका नेस्ट होता है ये कुछ इस तरीके का होता है रेड आंट। और गाइस हम इस नेस्ट को निकाल भी सकते हैं और अपने हिसाब से इस वाले नेस्ट को कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो मैं तो भाई अभी इसको इधर ही लगा देता हूँ क्योंकि ये नाराज़ हो गई है शायद, मैंने इनका घर निकाल दिया है तो ठीक है वापस लगा दिया मैंने इनका घर। तो गाइस अब ये क्या है, मतलब किस लिए काम आते हैं गाइस ये जो आंट होते हैं। तो गाइस यही वो आंट है जो हमें दूसरे डायमेंशन में लेके जाएगी। तो गाइस ये आंट हमें उठा करके दूसरे डायमेंशन में लेके जाती हैं, ठीक है। और दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए हमें इनके साथ हमें शिफ्ट कर दबाना है ऐसे करके, और भाई राइट क्लिक मारना है इन पे ऐसे करके, ठीक है। तो जैसे हम राइट क्लिक मारेंगे ना इन आंट पे तो ये हमें दूसरे डायमेंशन में ले जाएगी। तो चलो ट्राई करके देखते हैं काम करते कि नहीं करता। एंड हैवी, अरे भाई हैवी गो। तो गाइस काम कर गया भाई, हम दूसरे डायमेंशन में आ चुके हैं। और भाई ये वो डायमेंशन है आंट डायमेंशन है गाइस ये, और भाई हम दूसरे डायमेंशन में आ चुके हैं। और गाइस ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक डायमेंशन है, मतलब हमारे ओवर वर्ल्ड से बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो भाई यहाँ पे घूमने के लिए आप लोगों को याद हो तो भाई हमने एक जानवर की हत्या कर दी थी जिसका नाम है स्पिनिक्स। तो भाई ये स्पिनिक्स में हम कन्वर्ट हो गए हैं। और भाई क्या एनिमेशन है यार, देख रहे हो ये एक लड़की है, हाँ ये एक लड़की जैसी दिख रही है, ये आधा कोई शेर जैसा लग रहा है आधा मतलब चिड़िया जैसा है, और इसका फेस एक लड़की जैसा है चलो पता नहीं भाई, चलो ठीक है गाइस। तो इसका हेल्थ अच्छा खासा है, और मेरे लेवल ग्लिच हो गए क्या, जीरो लेवल्स दिखा रहे हैं मुझे, कोई नहीं गाइस। बट ये उड़ नहीं सकती, व्हाट इसकी एबिलिटीज़ क्या है, मुझे लगा ये उड़ सकती है। अरे यार इसकी कोई एबिलिटीज़ नहीं है, तो मतलब ये फिर बेकार है इस डायमेंशन में गाइस। तो भाई हम वापस से मच्छर ही बन जाते हैं क्योंकि मच्छर एटलीस्ट उड़ तो सकता है। और गाइस सेम वही, हमें अपने डायमेंशन में वापस जाने के लिए हमें वो ढूंढना पड़ेगा आंट नेस्ट ढूंढना पड़ेगा, यानी कि वो जो चींटियाँ होती है ना, ये रही इनका चींटियों का हमें घोंसला ढूंढना होता है। तो यहाँ पर देखिए आंट नेस्ट है, तो ये क्या करूँगा मैं, अब इनको मैं उठा लूँगा। और इसके साथ ही गाइस यहाँ पे एक और डायमेंशन का नेस्ट है भाई, ठीक है। अरे यार ये उठा क्यों नहीं रहा, ओके यार उठाने के लिए मुझे नॉर्मल अपने नॉर्मल रूप में आना पड़ेगा, ओके। अरे यार ये दोनों के दोनों नेस्ट उठा लूँगा मैं, ओके गाइस। तो गाइस ये मेरा स्पॉनिंग पॉइंट है, तो मैं जितनी बार भी मरूँगा मैं यहीं पर ही स्पॉन होऊँगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम एक छोटा सा घर भी बना सकते हैं, बट घर मैं अभी नहीं बनाऊँगा, पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे गाइस, ठीक है। तो चलो गाइस जगह को मैंने मार्क कर लिया है, और अब थोड़ा सा आसपास घूमते और देखते भाई क्या है इस डायमेंशन में और क्या नहीं है। और ये क्या है भाई, ये ड्रैगन है, व्हाट ये वैसे क्या मुझे मारेगा। तो भाई देखो मैं टेस्ट तो करने वाला नहीं हूँ कि मुझे मारेगा क्या नहीं मारेगा, बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखी थी, ये रही ये क्या है भाई, एंशिएंट डायर एम्पायर स्कॉर्पियो स्पोनर, व्हाट तो ये क्या है भाई,
अगर मैं इसको देखूं, ये क्या कुछ, ओ भाई ये अंडा है। अगर हम पानी की बकेट रखें और ये ऐसे करके रखें तो हमें एक अंडा मिलेगा जिससे हम स्कॉर्पियो को स्पॉन करवा सकते हैं। ओ भाई वो स्कॉर्पियो तो नहीं है कहीं, डेजर्ट वाला जो बड़ा सा है, मुझे तो वही लग रहा है भाई, हो सकता है वही हो। तो चलो भाई जरा घूमते हैं आसपास, देखते हैं क्या है भाई। ये तो काव है नॉर्मल जो हमारे डायमेंशन में होती है, और यहाँ पे ये क्या है भाई। ओके ये डायर बोबजिला स्पॉन एग, बोबजिला क्या होता है भाई। यहाँ पे ये अलग अलग, मतलब मुझे लगता है कि हम ऐसी दुनिया में आ गए जिस दुनिया में डायनासोर्स ख़त्म हो चुके हैं आई थिंक, है ना। तभी तो मुझे ये अजीब अजीब से अंडे मिल रहे हैं क्योंकि वो मर चुके हैं और उनके अंडे जो है पत्थरों में दब के रह गए हैं। और भाई ये स्कॉर्पियो है और ये क्या है, मोबजिला, ये मोबजिला का आया गया है। ठीक है भाई चलो मिलते रहने दो, जो मिल रहा है बढ़िया है। और ये क्या है भाई, एंशेंट डायर, ये भी कोई अंडा है भाई, ये भी कोई अंडा है। चलो गाइस, तो गाइस इस डायमेंशन की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता है। देखो गाइस ये रही वो उड़ने वाली, यही तो चाहिए थी वो उड़ने वाली। तो गाइस इसी को मैं ढूंढ रहा था, हमें अपने मेन डायमेंशन में तो नहीं मिली बट यहाँ मिल गई। तो चलो भाई इसको मारते हैं, और अगर मैं इसको मार पाया तो भाई हम शायद उड़ पाएंगे। वैलकरी गाइस, इसका नाम वैलकरी है, तो इसको हमें मारना होगा भाई। ओके इसका अच्छा खासा हेल्थ है, बट मैं रीजनरेशन स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि मार पाऊँ मैं इसको। ओ भाई चलो बराबर का ही डैमेज दे रही है मुझे ये। ओके आ जाओ आ जाओ, और आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके गाइस तो भाई वेलकरी का मुझे सामान मिल गया है, और आई थिंक मैं अभी वेलकरी बन सकता हूँ। तो देखता हूँ अगर वेलकरी उड़ पाई तो ज़्यादा बढ़िया है। तो भाई ये रही वेलकरी, आई होप कि मैं वेलकरी बन के उड़ पाऊँ। तो ये एनिमेशन बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो वेलकरी उड़ सकती है, अरे यार रैशी भाई वेलकरी नहीं उड़ सकती। मुझे लगा था भाई यहाँ पे डायनासोर्स ख़त्म हो चुके हैं, बट ये तो जगह ही मेरे को डायनासोर्स की लग रही है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा डायनासोर घूम रहा है, ये रहा। और भाई ये कौन है, इसका अजीब सा नाम है भाई, कमारासोरस, कमारासोरस मर गया। चलो भाई अब देखो यार हम मार इसलिए, ओ गाइस यहाँ पर देखो कोई एंशेंट, कोई चीटी है यहाँ पे, क्या नाम है इसका, इस चीटी का नाम क्या है भाई, अरे यार इसका नाम नहीं दिख रहा, टर्माइट। ओके गाइस तो यहाँ पर इसका आसपास भाई इसका नेस्ट होगा टर्माइट का, तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा टर्माइट का नेस्ट कहाँ पे। तो ये रहा गाइस टर्माइट का नेस्ट, तो ये नेस्ट हमें लेना पड़ेगा भाई। लेकिन यार ये पास में ये भी खड़ा हुआ है, इसको मार देते हैं पहले। चलो मर गए। ओ यहाँ पे भाई टर्माइट है, और दोनों ही टर्माइट है क्या, आंट नेस्ट, तो दो तरह की नेस्ट है यहाँ पे, टर्माइट है और आंट है, तो भाई दोनों ही ले लेते हैं, है ना। और हमें नॉर्मल रूप में आना पड़ेगा यार लेने के लिए। सो गाइस मुझे कुछ दिखा है भाई यहाँ पे, ये बहुत बड़ी सी तितली है उड़ती हुई, और ये पता नहीं भाई किस काम की है, मतलब इतनी बड़ी तितली। बट गाइस मुझे जितना पता ये कोई ड्रैगन है, और हाँ भाई ये कोई ड्रैगन है देख रहे हो। ओ भाई ये मेरी तरफ आग फेंक रहा है, ओ निकलो यहाँ से, मैं मरा भाई मुझे लगता है। ओके निकलना पड़ेगा यहाँ से। इसका हेल्थ 150 हेल्थ है वैसे, इसको मैं मार सकता हूँ अगर मैं वो उड़ने वाला बन जाऊँगा। तो भाई मैं रिपर बन गया हूँ आई थिंक, मैं अभी इसको मार सकता हूँ। तो चलो इसको मारते हैं, लेट्स किल। और भाई इसको डैमेज बहुत ही कम पड़ रहा है, और भाई ये रीजनरेशन वाला। ओके हो भाई ये क्या हुआ, इतनी सारी तितलियाँ आ गई एक में से, हो भाई एक में से इतनी सारी तितलियाँ निकल गई। एक मिनट ये कौन है, ये कोई आत्मा है, और ये क्या इसने अपना सर हाथ, ये क्या भाई अपना हेड इसने हाथ में पकड़ा हुआ है। ओ लिख रहा है क्या है ये भाई। अलग अलग चीजें हैं, और ये क्या है भाई, ये क्या, ओ रैक्स, टी रैक्स है गाइज ये। ओके टी रैक्स भी है क्या यहाँ पे, आर्क सर्वाइवल खेल रहे क्या आप। ओ भाई ये क्या है, टी रैक्स है, और ये मार दे। ओ भाई मारने से पहले हमने ही मार दिया उसको। और भाई ये क्या क्या चीज़ें मिल रही है मुझे यहाँ पे,
ओ भाई ये क्या है, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल रही है मुझे ऐसा लग रहा है कुछ। भाई यूरेनियम नगेट, व्हाट, ये चीज़ तो सही है यार। फिर यूरेनियम नगेट तो हमें फिर ऐसे ही मिल जाएगा। तो गाइस मैं भी भाई ड्रैगन बन गया हूँ, सामने भी ड्रैगन है, तो चलो फाइट करके देखते कौन जीतता है। अब देखो जीतेगा तो वही, क्योंकि उसके पास आग फेंकने वाली शक्ति है जो कि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उड़ सकता हूँ अभी, इसके बराबर फाइट कर सकता हूँ। आ जा आ जा आ जा। ओ मुझे मुझे अब अच्छा फायर का इफेक्ट पड़ रहा है मुझे। ओके मर गई वो फिर से, नाइस। तो भाई मेरे को अब बैकपैक खोलना पड़ेगा अपना, और सामान जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वो डालना पड़ेगा बैग में। ओ नेदर स्टार, ये क्या भाई नेदर स्टार कहाँ से? तो शायद उस बोस से नेदर स्टार भी मिलता है क्या यार? ये चीज़ तो सही है फिर, नेदर स्टार तो बहुत काम की चीज़ है इस गेम में वैसे देखा जाए तो। और यार ये पहली, और ये कौन सा जानवर आ गया अब एक और सामने। ओके इसका 200 हेल्थ है इसका, आई होप कि मुझे अरे भाई ये तो बहुत ही तेज मार रहा है। अरे भाई भागो भागो, मुझे अपना पेट का यूज़ लेना पड़ेगा गाइस, अब मुझे स्पीड वाला पेट चाहिए अपना। चलो भाई अब आ जा, देख रहे हैं आप कितनी तेज स्पीड हो गई मेरी। तेरा, ओ भाई ये तो फिर भी मार रहा है हमें। ओ भाई गाइस उसकी पावर बहुत ज़्यादा है यार, पावर बहुत ज़्यादा है इसकी। और यार तेज चलने से इतना तेज भूख भी लगता है क्या, काफ़ी पावरफुल है यार। तो गाइस रिस्पॉन होते हुए वहाँ अपने रैंडम लोकेशन पे, भाई हम रैंडम लोकेशन पे रिस्पॉन हो गए हैं, तो मुझे टेलीपोर्ट करके जाना पड़ेगा अपनी मेन लोकेशन पे। तो चलते हैं फिर वहाँ से, तो पास में ही है हमारा, और इसके अंदर मेरा सामान है सारा, सबसे पहले तो आर्मर। सो गाइस यहाँ पे बहुत कुछ है भाई देखने वाला, छोटे छोटे से ड्रैगन हैं, बड़े बड़े भी ड्रैगन हैं, और रात को भाई ये जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी हो जाती है। और डरावनी से मेरा कहने का मतलब अभी अभी आप लोगों ने नज़ारे देख लिए होंगे कैसी हो जाती है। तो भाई मैं वापस अपने स्पॉनर पॉइंट पे जाने वाला हूँ, और वहाँ पे मैं एक घर बनाऊँगा, और ताकि भाई यहाँ पे बहुत कुछ होता है वो सब आप लोगों को दिखा सकें। सो गाइस यार मैंने सारे के सारे स्पॉनर यहाँ पे लगा दिए हैं, अभी यहाँ पे और भी अलग अलग तरह की चींटियों के नेस्ट होते हैं जो कि हम आने वाले टाइम में दिखाएंगे आप लोगों को, और वो हर एक चींटी का एक अलग डायमेंशन होता है। तो भाई हम रेड आंट वाली चींटी से इस डायमेंशन में आए थे, और इसी चींटी से हम बाहर जाएंगे, तो शिफ्ट राइट क्लिक करना होगा हमें रेड आंट पे ऐसे करके, तो हम पहुँच जाएंगे अपने ओवर वर्ल्ड में। तो भाई हम पहुँच गए अपने ओवर वर्ल्ड में, टेलीपोर्ट हो गए हैं, और यहीं आसपास हमारा घर है देखो वो रहा सामने। तो भाई चलो चलते हैं, पेड़ के ऊपर स्पॉन हो गया यार मैं, ये चीज़ सही है। चलो तो गाइस इस तरीके से भाई रेड आंट वाले पोर्टल जो है काम करते हैं, और ये जो होती है ना चींटी गाइस ये हर एक ब्लॉक को डर्ट ब्लॉक में कन्वर्ट कर देती है, तो ये चीज़ भी हमें देखनी होगी भाई कि हमारे घर को ये डर्ट ब्लॉक में कन्वर्ट ना कर दे, इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ओके तो ये हमारे पीछे पीछे आ गई हैं बहुत सारी चींटियाँ, तो ये शायद से सारे ब्लॉक को खा जाती हैं और डर्ट में कन्वर्ट कर देती हैं, तो वो चीज़ हमें देखनी होगी, हमें इनको आने नहीं देना मतलब अपने घर तक, सारी बात तो यही है। सो गाइस यार मुझे लगता है आज के एपिसोड में इतना ही गाइस, और भाई नेक्स्ट एपिसोड में हम ये जो लेके आए इनमें से अंडे निकालेंगे, और देखेंगे अगर हैच करने लायक अंडे हुए तो हैच भी करके देखेंगे भाई, और बहुत सारे ये लूट बॉक्स मिले और नेदर स्टार मिला है भाई, ये भी देखेंगे नेदर स्टार से हम क्या क्या कर सकते हैं भाई, क्या क्या चीज़ें बनती है इस गेम में नेदर स्टार से। तो फूड की तो कमी नहीं है फ़िलहाल के लिए हमारे पास, और हमने कुछ पैट वगैरह भी बना लिए हैं, और भाई रैक्स वगैरह भी मारे हमने, और मुझे पता नहीं था गाइस इस वाले गेम में इस वाले मोड में डायनासोर्स भी हैं, और बहुत अच्छा लगा भाई डायनासोर्स देख के। अब देखना ये है कि कितने तरह के डायनासोर्स हैं और कौन से हैं। तो मेरा आर्मर बिल्कुल ही टूट चुका है गाइस, बिल्कुल ही एकदम चूर चूर हो चुका है, और मेरे को बस एक नए आर्मर की ज़रूरत पड़ेगी। और यार मैं चाहता हूँ कि यार मैं अल्टीमेट सोर्ड वाला ही मतलब अल्टीमेट ही सूट बनाऊँ अपने लिए, बट यार वो बहुत ही कॉस्टली है, बहुत महंगा सूट है, उसको बनाना इतना ईजी नहीं है। तो अभी के लिए गाइस इतना ही, हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में,
जिसमें हम बहुत सारी मौज मस्ती करने वाले हैं और एक और नए डायमेंशन में मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि भाई वहाँ पे क्या क्या होता है। और गाइस आसमान देखो पीछे से कितना बढ़िया लग रहा है गाइस, एकदम रंग बिरंगे बादल, धूप निकली हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड चाओ चाओ।